भाई बात करें यहाँ पे इंडिया की ना, तो इंडिया ने डिजिटल डोमेन में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। मतलब बिल्कुल ऐसे तबाही मचा रखी है। अब अगर आप बात करो यहाँ पे डिजिटल डोमेन में, तो यहाँ पे सब कुछ आता है जो कि आजकल आप देखते हो अपने अगल बगल में, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, टीवी, और टीवी हटा दो यार, सब कुछ आपके मोबाइल फोन पे आ चुका है। मतलब एक बटन दबाना है और सारा काम आपका हो जाता है मिनटों में, सेकंड्स में। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। वैसे व्हाट्सएप पेमेंट काफी टाइम से कोशिश कर रहा है इंडिया में डिजिटल पेमेंट लाने की, अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे डिजिटली पेमेंट का आदान प्रदान करने की, लेकिन फिलहाल एक साल से टेस्टिंग चल रही थी और फिर ये बीच में फेक न्यूज वगैरह आ गया तो यहाँ पे व्हाट्सएप हो गया डिले थोड़ा। लेकिन अब व्हाट्सएप पूरा अग्रेसिव हो गया दोबारा से इसको लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पेमेंट मेरे पास आ चुका है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है और बहुत जल्दी शायद आपके पास भी आ जाइए। तो भाई यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले कि व्हाट्सएप पेमेंट आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो और अपने व्हाट्सएप अंदर से चैट करते हुए आप किसी को भी कैसे पैसे भेज सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट्सएप के पास वो है भैया, उसके पास इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की जनता उसके साथ है। और ऐसा है कि आज के टाइम में इंडिया की जनता 130 करोड़ की जनता जिसके साथ होगी ना भैया, वो तो तबाही मचा देगा। तो भाई यहाँ पे कोई ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं करनी है, बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा मेथड है, मैं आपको अपने फोन पे करके दिखाता हूँ और इसी तरीके से बिल्कुल आपको करते जाना है और फिर आपका जो व्हाट्सएप पेमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिवेट। तो करना कैसे है देखो, आप स्क्रीन पर देखो, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप लॉन्च करना है, उसके बाद ये जो यूआई आता है आपके व्हाट्सएप का, उसमें आपको जाना है आपके सेटिंग्स टैब में। सेटिंग में भैया ये सारी चीजें होती है, लेकिन आपको जाना है तीसरे कॉलम में जहां पे अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन ये सब होता है। तो यहां पे जाना और यहां पे देखो पेमेंट्स का एक टैब आता है। पेमेंट टैब में जाओगे तो ये मैंने पहले एक्टिवेट किया हुआ था क्योंकि मेरे को बहुत पहले आ गया था, लेकिन अब मुझे पता लगा कि ये सबको नहीं आया है इसलिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना देता हूं। तो यहां पे देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना पेमेंट मेथड सेटअप करना है जो कि सिंपल यूपीआई बेस्ड होता है। तो अब यूपीआई आप अलग अलग एप्लीकेशन से यूज करते हो, चाहे आप भीम यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, या फिर हर बैंकिंग के अपने यूपीआई एप्लीकेशन है, तो अगर आपने वहां सेटअप किया तो वहां से भी काम चल जाएगा। लेकिन यहां पे क्या करना है कि न्यू पेमेंट ऐड करना है आपको। तो न्यू पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए यहां पे क्लिक करना है और उसके बाद ये कुछ टर्म्स कंडीशन आएगी, ये पूछेगा कि भैया पेमेंट ऐड करना है तो ये एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ये करते ही भैया यहां पे लिस्ट ऑफ बैंक्स आ जाएंगी। अब यहां पे आपका बैंक है कि नहीं वो पूरा डिपेंड करता है कि आपका बैंक यूपीआई पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर यूपीआई के अंदर है वो तो यहां पे आपका बैंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहां पे देखो लिस्ट ऑफ बैंक्स, मतलब मैं भी नहीं जानता कि इंडिया में इतने बैंक है। अब इसमें अगर आपको आपका बैंक दिख रहा है तो आप ढूंढ लो, नहीं दिख रहा तो ऊपर से सर्च कर सकते हो। तो भाई मेरे पास जो है दो तीन बैंक है, तो मैं सबसे पहले अपना HDFC बैंक जो है उसको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ आपको। तो HDFC सबसे ऊपर था, नहीं एक्सेस के नीचे है, ठीक है। तो HDFC पे मैंने किया क्लिक, उसके बाद ये बोलता है कि भाई वेरीफाई योर फोन नंबर। इसके लिए यार एक सिंपल सी कंडीशन है कि जिस फोन के अंदर आप व्हाट्सएप यूज करना चाहते हो, व्हाट्सएप पेमेंट, उस फोन के अंदर जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत बार लोग ऐसा होता है कि फोन नंबर किसी और फोन में है, व्हाट्सएप किसी और फोन में है और फिर आप ये करना चाहोगे तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये ऑथेंटिकेट करता है एक SMS भेज के और वो SMS उस फोन के सिम से ही जाएगा, अगर वो सिम नहीं है तो वो हो जाएगा फेल। तो ये भैया चलो करते हैं आगे इसको। और यहाँ पे है वेरीफाई द फोन नंबर, तो यहाँ पे एक SMS भेजना है इन केस ऑफ आईफोन, एंड्रॉइड में ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये मैसेज जा रहा है, यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है कि मेरे HDFC बैंक की जो डिटेल्स है वो ये सारी चीजें हैं, लास्ट के 4 डिजिट भी आ गए, ठीक है, राकेश कुमार आ गया। तो वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई मेरा ही नंबर है और ये मेरा ही बैंक है। आगे क्लिक करते हैं इस पे, तो यहाँ पे देखो दो चीज होगी, अगर आपने UPI कहीं और पे यूज किया है तो काम चल जाएगा, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे शायद ये आपसे आपकी कार्ड की डिटेल्स मांग सकता है। मेरे से नहीं मांगा अभी, लेकिन आपसे मांग सकता है। तो आखिरी के 4-5 नंबर होते हैं कार्ड के, वो डालने और कुछ नहीं करना है वहाँ पे। यहाँ पे देखो UPI सेटअप हो गया है कम्प्लीट और यहाँ पे आपको करना है डन, और भाई ये हो गया सारा काम। अब यहाँ पे आती है बात यार पेमेंट भेजने की। तो पहले मैंने प्रणय को यहाँ पे देख सकते हो ₹1 ट्रांजेक्शन भेज के मैंने इसको चेक किया हुआ है, लेकिन भैया अब बात आती है दोबारा भेज रहे हैं तो यहाँ पे प्रणय ने वो चीज़ हटा दी है वहाँ से, तो उसको पेमेंट हम नहीं भेज पाएंगे। मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट्सएप पेमेंट दोनों तरफ एक्टिवेट होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे और भी तरीके हैं पेमेंट भेजने के, अगर आप पेमेंट भेजना चाहते हो तो UPI या स्कैन QR कोड पे भी कर सकते हो। तो UPI पे भेजता हूँ मैं, और यहाँ पे भाई UPI डाल के देखता हूँ मैं, तो ये मेरी दूसरे नंबर की UPI है, ₹10 भेज के ट्राई करते हैं। UPI पिन डालनी है, तो UPI पिन मैंने UPI कहीं और यूज किया हुआ है तो वहाँ से UPI पिन ऑटोमेटिक आ गई, क्योंकि UPI की पिन जो है वो यूनिवर्सल होती है आपकी। और यहाँ पे देखो पेमेंट जा रही है, ₹10 की प्रोसेसिंग है इस पे जा रही है, कहाँ से जा रही है सब कुछ यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, और ये हो गया आपका पेमेंट कंप्लीट।
कुछ। तो ये सिंपल सा तरीका था यहाँ पे व्हाट्सएप पेमेंट को एक्टिवेट करने का और व्हाट्सएप के थ्रू कहीं भी पैसे भेजने का। तो भाई अगर आपके पास व्हाट्सएप पेमेंट आया है तो ठीक है, नहीं आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप का पूरा प्लान है कि इस साल तक उसके जितने भी कस्टमर्स है सबके पास व्हाट्सएप पेमेंट वो इजिली पहुँचा पाए। फिर देखते हैं कब तक आपके पास पहुँचता है। इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो बनता ही करना। और इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे खत्म। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।